मित्रों आप लोगों के मन में ना ये स्वाभाविक जिज्ञासा है कि सर कैसे सिलेक्शन हो महिला सुपरवाइजर में, और सही भी है इतने साल बाद वैकेंसी। तो ऐसा है, देखिए कि मोटा मोटा सिलेबस अगर आपने समझ लिया हो, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आपको बाल विकास पढ़ना है, प्रारंभिक शिक्षा जो बच्चों की होती है उसमें जो डीएड वीएड में होता है ना उसका सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा नहीं पर बाल विकास और प्रारंभिक शिक्षा वाला। फिर पोषण और स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ करना पड़ेगा, पोषण के जो अंग है, स्वास्थ्य के जो अंग है, बीमारी है, टीकाकरण है, गर्भवती महिला है, ये सारी चीज़ें। फिर आपको प्रबंधकीय नॉलेज होना चाहिए, प्रबंधकीय वो मैंने पढ़ाया हुआ है जिसे पटवारी का, वैसे इसमें भी पढ़ा दूंगा आपको, प्रबंधन बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेने का। फिर आपको जीके और तर्क शक्ति, थोड़ा बहुत गणित आना चाहिए। लेकिन इसकी तैयारी याद रहे प्रदेश में 21 साल से 40-45 साल तक की महिलाएँ करेंगी और फॉर्म डालेंगी, तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, जबरा होने वाला है, 2-3 लाख बल्कि ज़्यादा हो सकता है फॉर्म जाएँ, और लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होंगे, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा। उसकी पूरी गाइडलाइन हर सब्जेक्ट की मैं जल्दी लाने वाला हूँ, 1-2 दिन के अंदर, अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, पर 1-2 दिन के अंदर पूरी गाइडलाइन लाने वाला हूँ और क्लासेस भी शुरू कर दूँगा। धन्यवाद।